गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आपके FA1 एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम अपना वापस सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, चेंज अराउंड अस। ठीक है, आप सब लोगों ने अपने FA1 दे ही दिए होंगे, और जिन बच्चों ने भी नहीं दिए वो अपने FA1 दे दीजिए प्लीज़ जल्दी से। ठीक है, हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 तक मैंने कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए हैं। ठीक है, आप उनको जिन्होंने बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट नहीं करा है वो अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर 6 चेंज अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ जो चेंजेस होते हैं, हम इतने चेंजेस देखते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन से चेंज हैं, उनको क्या नाम देंगे, उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। थिंग्स अराउंड अस आर कॉन्स्टेंटली चेंज, जो हमारे सारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। जैसे 1 मिनट द सन में बी ब्राइट शाइनिंग, इन द नेक्स्ट मिनट द स्काई डार्कन्स। 1 मिनट में सन, हम देखते हैं कि सन सन जो है एकदम खूब तेज से चमकता है, और कुछ ही सेकंड में हम देखते हैं बिल्कुल एकदम सन कैसा, स्काई कैसा हो गया, डार्क हो गया, एंड द सन डिसअपियर। और सन डिसअपियर हो जाता है कभी कभी जब क्लाउड ब्लॉक कर लेता है उसकी रेज को। ऐसे ही हम कई सारी चीज़ें देखते हैं, हमारे चारों तरफ जो किससे बनी होती है, सारी नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर, मैटर से बनी होती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेज हो। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंज, इन सब में चेंज होते हैं। समटाइम्स देर इज़ ए जस्ट ए चेंज इन द वे द मैटर लुक्स, एट अदर टाइम्स देर इज़ ए चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द मैटर इट्सेल्फ। कई बार हम देखते हैं कि जो मैटर है, मतलब मैटर कोई भी चीज़ जो जिससे बनी हुई है, वो चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में, तो एक एक टाइम में तो हम देखते हैं कि केवल उसके मैटर के लुक्स में ही चेंज हो रहा है। लुक्स मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, लेकिन अदर टाइम में ही हम देखते हैं कि उसके कंपोजिशन में भी चेंज हो गया। कंपोजिशन मतलब कुछ अलग ही चीज़ बन गई है, वो आज आगे डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया हुआ है किसी सिटी का, तो देखो 30 ईयर बिफोर ऐसा था और 30 ईयर आफ्टर ऐसा है। तो चेंजेस तो होते ही हैं, सारी चीज़ों में होते हैं, जहाँ पे बिल्डिंग्स में हो गए, यहाँ पे जो पाथ है उसमें हो गया, ह्यूमंस में हो गया, व्हीकल्स में हो गया, सब में चेंजेस तो होते ही हैं। ठीक है, कैन कॉल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, क्या हमेशा जो चेंज होते हैं वो रिवर्स्ड होते हैं? रिवर्स मतलब यहाँ पे दो टर्म्स आएंगी, रिवर्स्ड और इरिवर्स्ड। रिवर्स मतलब वापस वो चीज़ हमें बैक होके वापस हमें वो मिल जाए, और इरिवर्स मतलब एक बार जो चीज़ हमें बन गई वो वापस बैक नहीं होएगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे हमने मिल्क से कर्ड बनाया, हम वापस कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। ऐसे ही जैसे मैंने वाटर को फ्रिज करा, उसकी आइस बना ली, आइस को वापस मेल्ट करके हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये रिवर्स है। ठीक है, और मिल्क से कर्ड इरिवर्स है इस टाइप से। ठीक है, व्हेन यू पुट द बटर इन द सन इट मेल्ट्स वेरी फास्ट, जब तुम बटर को, मक्खन को सन में की धूप में रख देते हो तो उस फटाफट मेल्ट हो जाता है वो, और वापस अगर उसको तुम फ्रिज में रख देते हो तो वापस हार्ड हो जाता है। तो हम इस प्रकार के चेंज को क्या बोल सकते हैं? रिवर्स्ड चेंज। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, देखते हैं हम यहाँ पे। हमने एक पेपर का पीस लिया है, उसको फोल्ड करके हम उसको शीट को चेंज करके टॉय बनाते हैं हम, या फिर हम जैसे टॉय बोट बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो और उसको पानी में चलाते हैं। ठीक है, अब वापस उसको हम क्या करते हैं, उसको अनफोल्ड करके वापस उसको ड्राई अप करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये क्या पॉसिबल है क्या? देखो यहाँ पे इसको कट करके इस प्रकार से ये बोट बनाई हुई है। ठीक है, अब इसको हम वापस चेंज कर सकते हैं क्या, वापस इसमें शीट में चेंज कर सकते हैं क्या? नो। तो ये सेकंड टाइप की, हमने फर्स्ट टाइप की देखी कि बटर को हम मेल्ट कर रहे हैं फिर वापस उसको फ्रिज कर रहे हैं, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। और यहाँ पर ये पेपर को कटिंग करके जो टॉय बोट बनाया है, ये इरिवर्सिबल चेंज है। ऐसे ही हमने यहाँ पे एक्टिविटी सेकंड कर रहे हैं, इसमें हम व्हीट फ्लोर मतलब गेहूं का आटा लेंगे, उसका डव बनाएंगे गूंथ कर, और उसकी पूरी बनाएंगे। ठीक है, तो पूरी बनाने के लिए सबसे पहले तुम क्या करते हो, उसकी राउंड बोल बनाओगे और फिर उसको रोल करोगे, और फिर उसको किस पे उसका परफेक्टली तो बनेगी नहीं तुमसे, जैसे तुम्हारी मम्मा बनाती है, लेकिन फिर भी वो कैसी राउंड शेप में आप बनाने की कोशिश करो, और अगर नहीं बन रही है तो वापस उसको जो तुमने रोल बनाया है उसको वापस रोल करो और वापस स्टार्ट करो। तो ये कौन सा है? रिवर्सिबल चेंज है ये। तो वापस हम उसको बॉल बना ली उसकी। ऐसे ही जब मम्मी उसको फ्राई करती है पूरी उसको ऑयल में,
तो ये कौन सा चेंज है, वापस इस चेंज को हम बैक नहीं कर सकते, डब में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो पूरी फ्राई हो गई है ये कौन सा चेंज है, नॉन रिवर्सिबल है ना, ठीक है, नॉन रिवर्सिबल। तो टू टाइप के चेंज हो गए, एक तो रिवर्सिबल और एक नॉन रिवर्सिबल, और इसको इररिवर्सिबल भी बोलते हैं, IR, इररिवर्सिबल, ठीक है। तो टू टाइप के क्लासिफाई कर सकते हैं, टू टाइप के चेंज में एक तो रिवर्सिबल चेंज और एक नॉन रिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज की क्या डेफिनेशन होगी, सच चेंजेज इन विच द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल कैन बी चेंज बैक इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, वह चेंज जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स वापस चेंज हो जाते हैं, बैक मतलब उन्हें वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज की क्या प्रॉपर्टीज हो गई, डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज, ये टेम्परेरी चेंज होते हैं, कैन बी कैरीड आउट फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन, और ये बोथ डायरेक्शन में होते हैं, रिवर्सिबल मतलब वापस बोथ डायरेक्शन में होते हैं, दोनों डायरेक्शंस में होते हैं। जैसे एग्जांपल्स है, चेंजेस लाइक वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, गीले कपड़े सूखे कपड़ों में चेंज हो जाते हैं, वापस उनको गीलो कर दो फिर सूख जाएंगे, मतलब ये रिवर्सिबल चेंज है। वूलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, वूलन यार्न से हम स्वेटर बना रहे हैं, वापस उसको पुनः हम यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क को हॉट मिल्क में, वापस हॉट मिल्क को कोल्ड मिल्क में चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉयल स्ट्रिंग, स्ट्रेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब जो तनी तार वगैरह होते हैं उनको वापस हम कॉयल स्ट्रिंग में मतलब उनको गोल बना सकते हैं। स्ट्रेच रबड़ बैंड, बैंड स्ट्रेच करके रबड़ बैंड को वापस नॉर्मल शेप में ला सकते हैं। सॉलिड आइसक्रीम को मोल्टन करके मोल्टन फॉर्म में ला सकते हैं, फिर वापस उसको फ्रीज करके सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं। ये सब रिवर्सिबल चेंजेस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सच चेंजेस फ्रॉम विच वी कैन नॉट गेट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स बैक इन देयर ओरिजिनल फॉर्म आर कॉल्ड इररिवर्सिबल चेंज, वह चेंज जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल को वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते, इट इज़ कॉल्ड इररिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। इररिवर्सिबल चेंजेस की क्या प्रॉपर्टीज होगी, इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, ठीक है। इट इज़ ए परमानेंट चेंज होंगे, कैन बी कैरीड आउट ओनली इन वन डायरेक्शन, और ये सिर्फ वन डायरेक्शन में ही होंगे, ठीक है। जैसे ये तो दोनों डायरेक्शंस में होते हैं रिवर्सिबल चेंज, जैसे हमने आइसक्रीम को मेल्ट करा वापस इसको कूल करा तो ये वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, आइसक्रीम है इसको हीट करा अपन ने वापस कूल करा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे नॉन रिवर्सिबल के, यहाँ देखो इररिवर्सिबल लिखा हुआ है। चेंजेस लाइक रॉ एग टू बॉइल्ड एग, रॉ कच्चे एग को हम बॉइल्ड एग में चेंज कर देंगे तो वापस बॉइल्ड एग रॉ एग में चेंज नहीं होगा। ऐसे ही बैटर टू इडली का बैटर बना लिया हमने, उसे इडली बना ली तो वापस उसका बैटर नहीं बना सकते अपन। ग्रेन टू फ्लोर, अनाज से गेहूं से आटा बना लिया तो आटे से वापस गेहूं नहीं बना सकते। अगर बर्ड से फ्लावर बन गया तो वापस फ्लावर से बर्ड नहीं बन सकता। मिल्क से पनीर, काउडंग से बायोगैस, ये सब इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल। तो हम ये देख पनीर बन गया यहाँ पे ये सब इरिवर्सिबल, जैसे बर्ड से फ्लावर बन गया यहाँ पे, ये बैटर टू इडली है, ये सब किसके चेंज है, ये इरिवर्सिबल चेंजेस है। तो हम इन चेंजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें, फिजिकल और केमिकल चेंजेस, मतलब जो रिवर्सिबल चेंज है उन्हें फिजिकल चेंज बोलेंगे और जो इरिवर्सिबल चेंज है उन्हें केमिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया, इसको खुद रीड करना और समझने की कोशिश करना। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, थैंक यू।